हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशा नॉलेजर। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी आई है, तो जो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको आपकी स्ट्रीम के हिसाब से एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन का पता चल सके। और कब ये फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या होगी, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। तो वेरियस पोस्ट में यहाँ पर वैकेंसी आई है, फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना होगा। 12 अगस्त से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे, 21 अगस्त तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, फिर डिपॉजिट करनी होगी आपको 23 तारीख तक। नए फिटनेस में और क्या क्या चीजें मांगी गई है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए वेबसाइट होगी www.hrysse.in। टोटल 1456 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जिसमें पीआरटी के लिए जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज ये सारे पोस्ट यहाँ पे सेग्रीगेट की गई है। पीडब्ल्यूडी जो कि डिसेबल लोग हैं उन सभी के लिए 58 पोस्ट है, ओएच के लिए 15, वीएच के लिए 15, एचएच के लिए 14 और बीडी के लिए 14 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए सीनियर सेकेंडरी या फिर उसके इक्विवेलेंट जो भी एक बोर्ड होते हैं वो आपने पढ़ रखा हो, क्लियर कर रखा हो, पास कर रखा हो, जिसमें कम से कम 50% नंबर आपके होने चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, और सीनियर सेकेंडरी कर रखा हो या फिर उसके इक्विवेलेंट आपने कुछ भी कोर्स कर रखा हो जिसमें 45% आपके नंबर हो, या फिर 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में इन अकॉर्डेंस विद NCTE, मतलब रिकॉग्नाइजेशन नॉर्म एंड प्रोसीजर के हिसाब से जो रेगुलेशन है 2002 के हिसाब से आपके यहाँ होना चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी या फिर इक्विवेलेंट 50% नंबर, एटलीस्ट 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब BELED होना चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, जिसमें 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन में, या फिर BA, BSc, BCom और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में, उसका कुछ भी नाम हो तो चलेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या आपके पास होना चाहिए, इनमें से जो भी आपको भी बताएं, या तो इनमें से कोई भी आप किसी भी एक स्ट्रीम से अगर आप पढ़े हुए हैं, आपने वो की हुई है, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्लस सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाई हरियाणा टेस्ट एलिजिबिलिटी मतलब HTET और STET आपका क्लियर हो तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और मैट्रिक हो आपकी हिंदी और संस्कृत से, मतलब 12th में BA और MA में हिंदी या संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिप्लोमा और सर्टिफिकेट जो कि किसी स्टेट से, बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से आपका रिकॉग्नाइज हो हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से तो आपका यहाँ पे एलिजिबल है, आपको चाहिए होगा वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। SC ST SC और बैकवर्ड क्लास से जितने भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनको 5% का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स BA BSc BCom सीनियर सेकेंडरी लेवल पर मिलेगा। प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को जिसको उर्दू की नॉलेज है अप टू मैट्रिकुलेशन मिडिल स्टैंडर्ड फॉर पोस्ट PRT फॉर मेवात, ठीक है, मेवात के लिए उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी जिसको उर्दू की नॉलेज है PRT के टीचर के लिए। एज का क्राइटेरिया 18 से 42 साल के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 18 से 42। एज रिलैक्सेशन के लिए SC 5 साल, बैकवर्ड क्लासेस को 5 साल, डिसेबल लोग जो है उनको 10 साल, तो सारी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे जो भी आपको हर फॉर्म में मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अलाउड है वो सारे यहाँ पे दिए जाएंगे, चाहे वुडो चाहे विडो फीमेल हो या फिर डाइवोर्स वुमेन हो, अनमैरिड हो। अनमैरिड वुमेन के लिए 5 साल यहाँ पे मेंशन है। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं अगर वो 52 ईयर ज्यादा एज के हैं तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है फॉर्म फिल करने के लिए। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके डॉटर, उनके बच्चे अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए, उनके बच्चों के लिए कोई रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, डिसेबल लोगों के पास जो मेडिकल सर्टिफिकेट होते हैं वो भी आपके पास होने चाहिए, EWS वाले जितने भी कैंडिडेट है उनके पास भी उनके सर्टिफिकेट होने चाहिए, EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए जो भी बेंचमार्क्स होते हैं सभी यहाँ पे मेंशन है। जनरल कैटेगरी के जो मेल और फीमेल है उनके लिए फी 150 रुपए होगी। जो फीमेल हरियाणा में रह रही है उनके लिए 75, कैंडिडेट्स मेल और फीमेल हरियाणा के मूल नागरिक हैं उनके लिए मेल्स के लिए 35 और फीमेल्स के लिए 18 है। PWD और जितने भी डिसेबल एक्स सर्विसमैन उनके लिए कोई फी नहीं है। रिटन एग्जाम होगा 95 मार्क्स का जो कि OMR बेस्ड होगा। क्वेश्चन पेपर आपको दोनों लैंग्वेज मिलेगा हिंदी और इंग्लिश। 100 नंबर का आपका वेटेज होगा क्वेश्चन पेपर का, 0.95 मार्क्स हर क्वेश्चन के होंगे। एक्स्ट्रा 5 मिनट्स शैल बी गिवन टू मार्क 5th ऑप्शन। अगर 5th ऑप्शन को मार्क करते हैं तो इफ कैंडिडेट डज नॉट नो द आंसर, और ऑप्शन को मार्क करने के बाद कैंडिडेट को अगर उसका आंसर नहीं पता तो 5 मिनट उसको और अलाउट किए जाएंगे। टोटल 105 मिनट का वो क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के,
डेट ऑफ बर्थ आपको वहाँ पे शो करनी होगी, डिटेल्स आपको देनी होगी, स्कैन कॉपी लगानी होगी, आपके जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट है, फोटोग्राफ लगाना होगा स्कैन करके, सिग्नेचर्स लगाने होंगे स्कैन करके, हायर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी हो सारा मेंशन करना होगा, सर्विसमैन के लिए जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स होते हैं वो लगेंगे, AWS का सर्टिफिकेट लगेगा, डिसेबल पीपल के जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो लगेंगे, फ्रीडम फाइटर्स के अगर कोई भी बच्चे या ग्रैंड चाइल्ड जो है वो फॉर्म फिल करें तो उनके लिए भी सर्टिफिकेट लगेंगे, एक्सपीरियंस का भी यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा, रिटन टेस्ट के बाद मेरिट लगेगी, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। अगर आप कोई भी ऐसी चीज जो एग्जाम में आपको मना है ले जाने के लिए, अगर आप वो लेकर जाते हैं तो आपको वहाँ पे पनिशमेंट भी मिलेगी, फाइन भी है, तो आप ऐसी कोई भी चीज ना लेकर जाए। डिटेल सिलेबस यहाँ पे मेंशन है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी से 20 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन, सारे एमसीक्यू बेस होंगे, हरियाणा जीके और अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, 20 एमसीक्यू आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन, मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन, एनवायरमेंटल स्टडीज के 10 क्वेश्चन, पैडागोजी का, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का जो भी सिलेबस होता है सारा मेंशन है यहाँ पे, तो आप डिटेल में ये चेक कर सकते हैं पूरा सिलेबस तैयारी करने के लिए, हिंदी लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का, हरियाणा जीके अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा, एबिलिटी में क्या पूछा जाएगा, मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज में कैसे क्वेश्चन आएंगे, सारा यहाँ पे मेंशन हो रखा है। तो अच्छे से फॉर्म चेक करके अपने डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा, चैनल से ऐसे जुड़िए, ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए, गवर्नमेंट जॉब के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, उसको ऑल पे सेट करके रखिए ताकि जितने भी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऐसे आते रहे वो आपको सबसे पहले मिल सके। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।